हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई सभी का स्वागत है अपने एक और व्लॉग के अंदर। तो भाई होप है कि सब बढ़िया ही होंगे और भाई बढ़िया ही रहना। तो भाई अभी का सीन है कि भाई राहुल तो गया स्कूल में क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है। आज 9 डेट है तो उसका एग्ज़ाम है, और बाकी आज वैसे है 9 डेट है तो उसका एग्ज़ाम है। मेरा एग्ज़ाम नहीं है, मेरी छुट्टी है क्योंकि मेरे होने 6 पेपर, उसके होंगे 7 पेपर, तो इसलिए जो है उसका एग्ज़ाम है। बाकी वो तो गया अपना स्कूल, उसका साइंस का पेपर। तो भाई देखते हैं क्या कुछ बढ़िया पेपर जाएगा या नहीं जाएगा, वो तो अगले को पता है, राहुल को ही पता है, वो आने के बाद पूछेंगे। तो राहुल गए वहाँ पे। और भाई एक चीज़ मैंने जो अभी नोटिस की है कि कल राहुल ने कुछ करवाया होगा भाई, कुछ स्टिकर वगैरह लाया होगा भाई। और जो मैंने तो अभी देखा क्योंकि सुबह वो लैपटॉप मैंने अभी चलाया ना, बिल्कुल अभी की अभी, तो सुबह मैंने उठा ना है। मैं मुझे लगा भाई ये लैपटॉप यार कुछ अजीब लग रहा है, वो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं नींदों में था भाई। और फिर जो मैंने अब देखा बिल्कुल, क्योंकि जो है अब देखा मैंने यार लैपटॉप को ओपन करते ना, तो जब मैंने जब देखा कि भाई ये तो भाई राहुल ने क्या छिपवा लिया यार, AK-47। तो आप सभी को एक लुक दिखाता हूँ मैं। तो गाइस जैसे आप देख ही पा रहे हो AK-47, तो भाई ये जो है राहुल ने किया है। तो भाई यहाँ पे तो लैपटॉप चल रहा है और यहाँ पे जो AK-47 इसने जो करवाया है तो भाई जो कि काफ़ी कूल है। और लैपटॉप के अंदर जो है अभी आप देख ही सकते हो कि भाई मैंने जो ये वंडर शेयर फिल्मोरा, ब्लू स्टैक, स्ट्रीम लैब और कुछ यही अपने एप्लीकेशन से, और ये अपना कुछ वॉलपेपर है। मैंने तो देखा भाई यार ये AK-47 तो भाई बाकी लुक तो बढ़िया दे रही भाई लैपटॉप के अंदर। बाकी आपसे भी कमेंट करके बताओ कि भाई जो लैपटॉप कैसा लग रहा है। और आने वाले टाइम में बस अगर आप सभी ऐसी सपोर्ट करते रहोगे तो जो है भाई अपना गेमिंग CPU मतलब आ जाएगा जल्दी, और फिर अपना गेमिंग PC कंप्लीट हो जाएगा, और फिर मस्त अपना गेमिंग भी करेंगे या अपन सब कुछ एडिटिंग वेडिटिंग सब कुछ बढ़िया हो जाएगा अपना। और भाई बाहर तो यार आप देख ही सकते हो, तो यहाँ पे तो भाई जो कि बाहर यहाँ से हमारी जो है बालकनी है, तो भाई यहाँ से वैसे तो खिड़की यार बालकनी तो है ही नहीं, मतलब बालकनी मेरे दादा के घर पर है, तो आपको तो मैंने कभी दिखाया नहीं भाई मेरे दादा का। बाकी जो है हाउस टूर करेंगे ना तो भाई दोनों घर दिखाएंगे, और भाई मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि यार ज़्यादातर बंदों को पता नहीं कि भाई मेरे छोटे भाई बहन मतलब रियल तो मतलब रियली लगा लो यार, क्योंकि मेरे चाचा के हैं, तो भाई चाचा चाची के लड़का लड़की है। तो एक किट्टू को तो आप जानते हो भाई, दृष्टि को, वो एक व्लॉग में भी आई हुई है, और जो मेरा छोटा भाई आयान तो भाई उसको तो आप नहीं जानते, तो उससे भी मिलाएंगे। तो फटाफट है भाई जो मैं एक बार जो अपना करना था लैपटॉप का काम, और शायद से आज इसको दिखा के भी लेंगे, पता नहीं क्यों है जो ऐप डाउनलोड नहीं हो रही यार। सिंपली जब ओपन कर रहे तो वो ओपन जो है ये विंडोज़ एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर ऐसा कुछ से ओपन हो रहा है, अडोब रीडर से ओपन हो रहा है, तो भाई ऐसा कुछ सीन है। तो चलो देखते हैं इसका जो भी रहेगा भाई इसको ठीक करवा के लिए भाई, बाकी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। अरे ये तो जो है कुछ डिफ़ॉल्ट था भाई पहले से सेट, ये मामा के घर पर था ना ये तब से ही हो रखा है। तो जब वहाँ पे मैंने एक बार ऑन किया था ना भाई लगभग 1 साल पहले, तो तब भी यही प्रॉब्लम थी अरब भी है, तो मुझे ही दिखाना पड़ेगा। तो बाकी जो अभी मैं ऊपर चलता हूँ आप सभी को ऊपर का जो है दिखाते भाई व्यू क्या कुछ है, क्योंकि अभी ऊपर भाई कुछ काम है। तो जो है मैं फटाफट से ऊपर जाता हूँ और आप सभी को थोड़ा बहुत लुक दिखाते हैं। तो गाइस ऊपर तो आज के फटाफट से जो है गेट ओपन कर देते हैं, और भाई साहब जो है यार रोशनी ज़्यादा आ रही है तो मोबाइल को मैंने नीचे कर रखा, क्योंकि नीचे से क्वालिटी अच्छी आ रही है, ऊपर से जो है यार ब्लैक की साइड की। तो चलो आपको लुक दिखाते हैं थोड़ा बहुत व्यू। तो भाई जैसा आप देख ही पा रहे हो वो भाई हमारा ये मेन रोड, अरे एक रोड यहाँ से जाता है जो कि आपको वहाँ पे दिख रहा होगा जहाँ पे शॉप है वहाँ पे रोड जाता है, तो ये दो मेन रोड है यहाँ के। तो भाई जैसा आप देख ही पा रहे हो, और बाकी वहाँ पे जो है यार कॉलोनी बन रही है नई, और स्पेशल पुलिस वालों के लिए जो है बिल्डिंग बन रही है भाई, तो यहाँ पे फ्लैट्स वगैरह होंगे आने वाले टाइम में, अभी बनने लग रही है। और भाई वो और अपना शिव मंदिर वहाँ पे आपको सामने दिखाई रहा है, तो भाई वो अपना शिव मंदिर है, और वहाँ पे आपको टावर के पास जो है एक स्कूल दिख रहा होगा, तो वो है भाई नारनूंद का सबसे बड़ा और सबसे मतलब बढ़िया स्कूल में आता है टैगोर स्कूल, और कुछ यही सीन है यार। और तो भाई सब बढ़िया है, आज मौसम बिल्कुल सन आ रखा है तो जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और वहाँ पर जो आप देख ही पा रहे हो वहाँ पर जो पेड़ है बहुत सारे, और ब्लू वाइट का जो कॉम्बिनेशन है, तो भाई वो है अनाज मंडी। और यहाँ पे जो है अभी बस आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे जो भाई हर एक 5-10 मिनट के अंदर बस आती रहती है, तो वहाँ पे जो यार जहाँ पे ट्री दिख रहा है वहाँ पे यार पार्क है, तो हम वहाँ पे जाते हैं खेलने के लिए। और आपको जो है सामने यहाँ पे दिख रहा है ये जो है खम्बा बोलते हैं, जिसे इस गली में से जाते हैं भाई वो, और वहाँ पर भाई एक गाँव भी जाता है, अगर आपको सीधा जाना पड़ेगा ना उस गाँव के लिए, तो भाई काफ़ी मस्त है यहाँ पर।
और यहाँ पे जो पुराना शिव मंदिर जैसे आप देख ही पा रहे हो, और यहाँ पे जो बोर्ड लगा भाई, हाँसी सार बुडाना खेड़ी चुपटा वगैरह ऐसा कुछ जो है बोर्ड लगा है। और भाई ये यहाँ पे जो साइड, मतलब यहाँ पे पहले जो यार मिठाई वाले रहते थे, मतलब मिठाई का काम करते, शॉप है यहाँ पे काफ़ी बड़ी, तो अब तो उन्होंने चेंज कर लिया और यहाँ पे कुछ 99 वाली शॉप कर ली है, तो काफ़ी बढ़िया यार व्यू। तो चलो देखो अब एक और बस आ चुकी, क्योंकि हर एक 5 मिनट में बस आती जाती रहती है। और यहाँ पे अब हम सफाई कर रहे हैं भाई, क्योंकि हर एक हफ्ते के अंदर जो सफाई करनी चाहिए, तो फटाफट से जो है दिखाते थोड़ा बहुत लुक। तो गाइस यहाँ पे अभी जो है यार झाड़ू लग रहा है, तो इसलिए थोड़ा शोर आ रहा है। ये अपना एसी का है, और यहाँ पे जो है साइड वाला अगर आप जैसे देख ही पा रहे हो भाई, टंकी लगी हुई है। और ये भाई ये मेरे दादाजी का घर है, तो आप देख ही सकते हो कितना ऊंचाई पे यार हमारा घर भी और दादाजी का घर भी। और यहाँ पे भाई सब्ज़ी मंडी, तो यहाँ पे जो है सबसे पुरानी और मतलब बीच वाली है सबसे पुरानी, तो भाई खांडा मोड़ वाली जगह पे है, और वो भाई यहाँ का ऑफिस है, एक बहुत बड़ा ऑफिस। और वहाँ पे वही वही खाली वाला प्लाट है, मतलब बहुत सारे प्लाट है, बाकी अभी तो जो है वहाँ पे हाउस बनना तैयार हो चुके, तो भाई ऐसा ही कुछ है। बाकी मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रही है, वो रहा भाई एक टावर, तो जो है वो शायद से एयरटेल जियो का ही टावर है। तो गाइस अभी तो आज का मैं ऊपर से और आपको थोड़ा बहुत जितना भी व्यू दिखाया, और अभी मैं मेरे भाई से बोल रहा था जो कि छोटा भाई, मतलब उसको समझ तो क्या ही आएगा, वैसे ही जो है मतलब उनकी भाषा में थोड़ा बहुत कर रहा था, मतलब अपने जो है मैं बात कर रहा था थोड़ी बहुत, मैं कि भाई अपने छोटे भाई से भी मिल के अच्छा खुशी मिलती है, तो क्योंकि मैं मतलब ज़्यादा जा नहीं पाता वहाँ पे, क्योंकि जो यार ट्यूशन पे जाता हूँ और सुबह यार जाने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, और फिर जो है रात को एडिटिंग रह जाती है, खाना, तो उसमें नहीं जा पाता। ट्यूशन से आने के बाद मैं खेलने की यार सोच लेते चलो खेलने चलते हैं, तो आज शायद से जाऊँगा। और बाकी अभी तो मैं वही यार वीडियो एडिट करी थी ना कल, तो उसको जो अपलोड करना है, तो कल अपलोड नहीं की थी मैं, अभी अपलोड करता हूँ, आज आ जाएगी 5-6 बजे लग, तो आप सभी जो कुछ जाके देखना। तो अभी एडिट करनी पड़ेगी यार मुझे, सडनली याद आया ऊपर था तो भाई की जो है वीडियो एडिट करनी है यार, मतलब वीडियो तो एडिट करनी है अपलोड करनी है, सॉरी गलती से इधर उधर हो जाता हूँ तो भाई जो है वीडियो जो है अपलोड करनी है, तो फटाफट से जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, और फिर जो वीडियो अपने टाइम से आ जाएगी, तो आप से जो है टाइम टू टाइम देख पाओगे, तो फटाफट जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो हे गाइस राहुल आज का स्कूल से, और स्कूल से आने के बाद जो भाई ने, मैंने थोड़ा बहुत भी इसको कहा था कि भाई थोड़ा बहुत भी जो है व्लॉग कर लियो, बट इसने नहीं किया, क्योंकि भाई ये अपना जो है जूस पीने गया, उसके बाद जो है ये दुकान में बैठा था, क्योंकि भाई जो पापा वो अभी जो है यार बहुत दिनों से जो तहसील के चक्कर करने पड़ रहे हैं, तो भाई जो है इसको जो बैठना पड़ा थोड़ी देर, बिल्कुल लगभग 10-15 मिनट, तो भाई फिर ये भूल गया बाद में करना। अभी ये अभी भाई लैपटॉप का वही कह रहा था मैं, भाई तूने क्या करवाया, तो चलो राहुल से ही पूछते भाई उसने क्यों करवाया, मतलब क्या उसके AK-47 का इतना बड़ा फ़ैन है कि भाई जो AK-47 लैपटॉप कर दिया यार। तो भाई ये राहुल, तो ये तूने AK-47 जो कि लैपटॉप के सबसे ऊपर लगा रखी, तो ये ऐसा क्यों? अरे मेरे फ्रेंड के पास थे बहुत सारे, मैं अभी ये सभी ले रहे थे कि, तो मैंने भी एक ले ली थी, बहुत सारी थी, कम से कम इतनी सारी थी, तो मैं भी क्या स्टिकर थे क्या इतने पास, असली वेपन थी? नहीं वेपन नहीं थी, स्टिकर थे। तो भाई बाकी तो भाई राहुल वाल, राहुल की शर्ट जो राहुल ने पहन ली है, क्योंकि परसों मैंने पहन रखी थी ये वाली शर्ट, और आज राहुल ने पहन ली है, क्योंकि भाई ये वाली शर्ट यार जो राहुल की है, मैंने तो बस एक दिन ऐसे ही डाली थी, वो भी परसों, कि भाई देखते हैं कैसे लगी, बाकी मैं भी ऐसी जो है मंगवा लूँ भाई। बाकी राहुल कैसी लग रही है तेरे को ये? मेरे को तो एक नंबर की लग रही है, पूरी कंफर्टेबल है। तो मैं भी अभी कुछ ऐसी टाइप की जो है करने वाला हूँ, और ये अपनी AK-47 एक नंबर लग रही है। तो बिल्कुल बढ़िया है भाई। तो मैंने जो अभिषेक से बात की थी कि भाई अभी अभी बिल्कुल व्लॉग करने से पहले, तो भाई अभिषेक से मैंने पूछा कि भाई जो है यार कि उसने जैसे उसके पास तो फ्लिपकार्ट प्लस है, तो भाई उससे जो है उसको पता चल जाता है भाई सेल कब आने वाली है, या उसको फ्री डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या कुछ सीन रहेगा, तो बता ही रहा था भाई आईफोन के बारे में, तो कह रहे थे भाई जो 12 तारीख को सभी कस्टमर्स के लिए सेल आएगी, और जिसने जो प्लस ले रखा है तो उसको जो है 11 तारीख को सेल आ जाएगी, तो भाई वो वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने उसको पूछा भाई रेट रूट क्या होंगे आईफोन 12 के, तो भाई वो कह रहा था मतलब कि जो लेस में आएगा सेल 11 तारीख को आ जाएगी, तो वो बता दिया मुझे।
तो उससे मैं पूछ रहा था भाई, वो बोल रहा था कि अगर तुझे लेनी है तो भाई जो है तू अपना जो स्टार्टिंग में ही ले लेना, जिस दिन आएगी सेल तो लगभग 12 तारीख को आएगी, तो मैं जो 12 को ही मैं कह दूँ पापा को कि 12 को ही जो है मंगवा लीजिए, मतलब ऑर्डर कर दीजिए, तो फिर जो है शायद से जो है एक मिनट असेंबल कर देते हैं, वरना थोड़ा यार वाइड एंगल नहीं आता, तो वो भी वाइड एंगल आ रहा है। तो भाई मैं पापा को कह दूँगा कि भाई जो है 12 तारीख को ही कर ले, क्योंकि फिर वरना है जो भाई डिस्काउंट है वो कम होने लग जाता है धीरे धीरे जितना लेट करेंगे। तो फर्स्ट डे अपन कर लेंगे ऑर्डर, और क्रेडिट कार्ड से करना भाई तो उसमें भी जो 1-2 हज़ार जो कम पड़ता है, बाकी आईफोन जो लगभग जो 55-54 हज़ार का पड़ जाएगा भाई, इतने पड़ेगा। तो चलो ऑर्डर कर देंगे फिर उस दिन जिस दिन भी आएगा। बाकी भाई अभी तो यार खेलने गया था राहुल, तो राहुल को कोई भी नहीं मिला भाई वहाँ पे, तो भाई क्या ही खेले वहाँ पे जाके, तो भाई क्या ही खेले, मतलब आप भी बताओ कि अकेले वहाँ पे जाके हम क्या आपको दिखाए और क्या हम व्लॉग बनाए, क्योंकि कोई है ही नहीं भाई, छोटे बच्चे होंगे यार फिर उनके साथ क्या ही खेले, क्योंकि बड़े तो आए नहीं, क्योंकि यार जो फुटबॉल फट गई थी और हमने कहा भी था कि चलो मिलके जो अपन इकट्ठे करते हैं फिर अपन फुटबॉल लाए, तो कुछ भाई 5-6 बंदे जो कि नहीं ला रहे, बाकी सब के सब ले आए थे, लगभग 10-11 जने जो ले आए थे हम सब मिल ले आए थे, और कुछ 5-6 जने यार जिनको फ्री की फुटबॉल चेयर खेलना है और पैसे तो उनको लगाने, नहीं तो भाई यार देखो लाने खेलना है तो भाई आपको लगाने भी तो पड़ेंगे यार, क्यों हर एक बंदा तो यार लगातार जो फुटबॉल लाई नहीं का, सबको जो अपने इकट्ठा खेलना है तो इकट्ठा जो है करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी फुटबॉल थी पहले, फिर जो ईसू की थी तो दोनों की फट गई, तो यार जो भाई अब कौन लाएगा, क्यों फट गई यार, मुझे तो इतना शौक भी नहीं है भाई खेलने का फुटबॉल, और वैसे मैं कम खेलता हूँ, बिल्कुल ही कम खेलता हूँ, राहुल को शौक है, मुझे तो भाई क्रिकेट खेलता हूँ अपना, थोड़ा बहुत कबड्डी का था, क्योंकि जब कबड्डी आती तो भाई कबड्डी के फ़ैन, वैसे अपन क्रिकेट के फ़ैन है ही, तो जो चलो फटाफट जो मैं भी एक वीडियो अपलोड की थी तो उसको जो मैं एक बार अनलिस्टेड डाली थी, और मैं एक बार विजिट कर लेता हूँ कि भाई जो कैसी कुछ बनी अपनी वीडियो, तो जो है यार मैं सोच रहा हूँ कि जो है अपनी खुद की एक वेबसाइट भी बनाई जाए, जिस पे अपन कुछ तो करेंगे यार, वेबसाइट बनाएंगे, देखते हैं भाई क्या कुछ अपने जो प्रोडक्ट वगैरह डालेंगे, या तो अपने दुकान पे जो भी है जैसे फेयर एंड लवली, बहुत सारा सामान होगा, फेस वॉश, डिओड्रेंट्स, परफ्यूम्स, बहुत सारा सामान होगा, तो वो डालेंगे अपन बनाएंगे, क्योंकि मेरे चाचा जी है जिनके कि 3,000 सब्सक्राइबर्स है, तो भाई उनकी है, तो उनसे पूछेंगे भाई कैसे कुछ बनी है और कैसे हम बनाएं, तो फिर हम भी बनाएंगे। तो चलो फटाफट से जो मैं देखते हैं आगे क्या करेंगे, अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट वाला। तो गाइज अभी का सीन विवेक ने और मैंने तो अभी मम्मी से बनवाया चूरमा, तो चूरमा खाएंगे और फिर छत पे जाएंगे या बाहर, उधर आपने पता है बरंडा बनवा रखा है जिसमें बंदर जा लगा, तो उधर बैठेंगे थोड़ी देर और आपको भी दिखाते हैं कैसा कुछ सीन है। तो गाइज अभी का सीन चूरमा तो बनवा लिया, अब मैं और विवेक खाते हैं फटाफट और फिर आपसे मिलते हैं। तो गाइज जस्ट अभी चूरमा खाया, पेट भर गया और साथ में पिया दूध, तो अभी बाहर आ चुका मैं, आप जैसे ही देख सकते पीछे रोड है, और अभी देखते हैं सनसेट हो रहा है, आपको दिखाते हैं। तो गाइस उधर सनसेट हो रहा है और इधर लाइट भी ऑन हो चुकी है, और आज तो ज़्यादा ही कुछ ट्रैफिक है यार, आप देख ही सकते हो। तो गाइस आज के व्लॉग में बस इतना ही था भाई, जैसे कि हम थोड़ा बहुत होम व्लॉग किया, और जो राहुल AK-47 वाला जो लैपटॉप बना दिया अपना, एसर का जो एस्पायर था, एसर एस्पायर, उसको AK-47 एसर एस्पायर बना दिया, और भाई थोड़ा बहुत जो है यार चूरमा खाया था मैंने तो, और अभी जो है केसर बादाम का जो दूध पिया है, तो कि काफ़ी बढ़िया था, वैसे कुल्फी ऊपर का ही टेस्ट आ रहा था, जो कुल्फी नहीं होती केसर बादाम की, तो उसका ही टेस्ट आ रहा था बिल्कुल, बाकी मज़ा आ गया भाई दूध पी के। और अभी जो है भाई जो है वॉच टाइम थोड़ा ही रहता है, मतलब कि लगभग अपना जो 20 दिन, मुश्किल से 15 दिन लगा लो, 20 दिन तो ज़्यादा हो गए, 15 दिन के अंदर अंदर अपना जो मोनेटाइज हो जाएगा, और भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो ऐसे भी। बस आज के व्लॉग में इतना ही, तो मिलते हैं आपको एक और न्यू व्लॉग में, आज के व्लॉग में बस इतना ही, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर देना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। उधर बैठेंगे थोड़ी देर और आपको भी दिखाता है, दिखाते हैं कैसा कुछ है।